मायसेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है, अ ट्रायंगल एबीसी हैज साइड्स एबी इज इक्वल टू 75 मिलीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 60 मिलीमीटर एंड सीए इज इक्वल टू 75 मिलीमीटर। ड्रॉ अ पैराबोला passing through points A, B and C when side BC is horizontal। तो इस problem में सबसे पहले हम 60 mm की horizontal line draw करेंगे जिसे हम BC marking देंगे। यहाँ हम point B और C mark देंगे। इस problem में हमें एक triangle का measurement दिया गया है जिसमें BC है वो 60 मिलीमीटर है और AB और CA जो है वो 75 मिलीमीटर है। तो अब हम 75 मिलीमीटर की आर्क सेट करेंगे और AB और CA कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हम पॉइंट B को सेंटर रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे और पॉइंट C को सेंटर रख के दूसरी आर्क ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आर्क जहां मिलेगी वहां हम पॉइंट A मार्क करेंगे। अब हम AB और AC को जोड़ लेंगे। तो डेटा में जो साइज का ट्रायंगल हमें दिया गया है वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि ड्रॉ अ पैराबोला पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए बी और सी में से पास होता हुआ एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हम पॉइंट ए में से एक वर्टिकल लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो बीसी को जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां हम पॉइंट बी मार्क करेंगे। अब हम बी डी लेंथ के चार इक्वल पार्ट करेंगे जो हम दो सेट स्क्वायर की मदद से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ हम पॉइंट 1, 2, 3 और 4 मार्क करेंगे। अब हम रेक्टेंगल के अपर लेफ्ट कॉर्नर और अपर राइट कॉर्नर को ई और एफ मार्किंग देंगे। हमने यहाँ बी डी लेंथ के 4 इक्वल पार्ट किए हैं इसलिए अब हम बी से ई तक की लेंथ के भी 4 इक्वल पार्ट करेंगे जो हम दो सेट्स में से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ बी 0 है और बी से ऊपर 1, 2, 3 और 4 मार्किंग देंगे। अब हम
A1, A2 और A3 को जोड़ लेंगे। अब हम पॉइंट वन में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो A1 को जहां मिलेगी उसे हम P1 मार्किंग देंगे। तो यहां हम पॉइंट P1 मार्क करेंगे। सेम वे हम पॉइंट टू में से वर्टिकल लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो A2 लाइन को जहां मिलेगी उसे हम P2 मार्किंग देंगे। सेम वे हम पॉइंट थ्री में से वर्टिकल लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो लाइन A3 को जहां मिलेगी उसे हम P3 मार्किंग देंगे। अब हम पॉइंट B, P1, P2, P3 और A को स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। तो यहाँ 50% पैराबोला कंप्लीट हो गया। अब हम रिमेनिंग 50% पैराबोला कंप्लीट करने के लिए पॉइंट P1, P2 और पॉइंट P3 में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और लेफ्ट साइड के पॉइंट P1, P2 और P3 को हम कंपास की मदद से राइट साइड ट्रांसफर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट P1 में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, देन पॉइंट P2 में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, देन पॉइंट P3 में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम P1 में से पास होती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सिस AD को जहां इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट और P1 जितनी रेडियस लेंगे, और इस डिस्टेंस को हम राइट साइड ट्रांसफर कर लेंगे। सेम वे हम पॉइंट P2 राइट साइड ट्रांसफर करेंगे। सेम वे हम पॉइंट P3 को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे। तो यहां हम मार्क करेंगे पॉइंट P1, यहां मार्क करेंगे पॉइंट P2 और यहां मार्क करेंगे पॉइंट P3। अब हम पॉइंट A, P3, P2, P1 और पॉइंट C को स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। तो इसी के साथ ही यहाँ रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला हमने कंप्लीट कर दिया। फाइनली तो बी से सी का डायमेंशन है 60 मिलीमीटर। देन AB और AC लेंथ का डायमेंशन है 75 मिलीमीटर। AB का डायमेंशन है 75 मिलीमीटर, देन AC का डायमेंशन भी है 75 मिलीमीटर।
इसी के साथ ही यहाँ हमने रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला कंप्लीट कर दिया। थैंक यू वेरी मच।